तुम यहाँ? ओह ट्विंकल, आई एम रियली सॉरी फॉर लास्ट नाइट। ड्रामा मत करो पल्लव, अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं। बताओ मुझे रॉकी की सच्चाई क्या है, कौन है वो? जवाब दो पल्लव। ट्विंकल मैं वो पल्लवी, ज्यादा स्मार्ट मत बन। तुमने हमसे ये क्यों छुपाया कि तुम एक डॉक्टर? और ऐसी कितनी बातें छुपाई हैं तुमने हमसे? ऐसी कोई बात नहीं है ट्विंकल। पल्लवी मैं जान चुकी कि 5 साल पहले गोवा में रॉकी की सर्जरी तुमने करी। हाउ स्ट्रेंज ना, मेरे कुंज का हादसा भी गोवा में तभी हुआ था और मुझे मेरे कुंज की डेथ की खबर मिली, लेकिन उसकी बॉडी नहीं। डाइवर्स, पुलिस, कोई उसकी बॉडी नहीं ढूंढ पाए। तुम्हें भी उसी बीच से रॉकी मिला था ना, जिस बीच पे मेरे कुंज का हादसा हुआ था। जवाब दो, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है ना मेरे कुंज और तुम्हारे रॉकी के बीच? क्या है वो कनेक्शन पल्लवी? पल्लवी जवाब दो मुझे प्लीज, जवाब दो पल्लवी, जवाब दो। क्या रॉकी मेरा कुंज है? प्लीज पल्लवी बताओ, क्या रॉकी मेरा कुंज है? प्लीज पल्लवी जवाब दो मुझे प्लीज। हाँ ट्विंकल, हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने रॉकी की सर्जरी की थी गोवा में। 5 साल पहले रॉकी का एक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मैं कुंज को नहीं जानती। कुंज के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। लुक ट्विंकल, मैं और रॉकी बचपन के दोस्त हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। मैं जानती हूँ कि रॉकी का गुस्सा थोड़ा तेज है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, बट दैट डजंट मीन वी डोंट लव ईच अदर। दैट्स हाउ आवर रिलेशनशिप इज। फिर तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम डॉक्टर हो, और खुद को रॉकी की पीआर क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि मैं और रॉकी शादी करने वाले हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम उसी के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया। पल्लवी कुछ तो छुपा रही हो तुम। ओके वेट, तुम्हें यकीन नहीं होगा ना, जस्ट वेट। ये देखो, ये मेरे रॉकी के पिक्चर्स। जब हम कॉलेज जाते थे, अब यकीन हुआ रॉकी तुम्हारा कुंज नहीं है। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून खून के बदले कौन? पर मां साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाई। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं मां साहब, हम
कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।